हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5। और अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है किस पे बेस्ड है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पे बेस्ड है, और इसे हम प्रूफ करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या हमने स्टेटमेंट दिया है, इट स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कॉन्स्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से, और इसका फॉर्मूला जो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर ये आपका कोई ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, इसके पास वेलोसिटी वी है, देन इस ब्लॉक का मास और इस ब्लॉक का वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, मोमेंटम कहते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कर रहा है, मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, यानी कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी ब्लॉक का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, या आप कह सकते हैं जो इनिशियल में मोमेंटम है वही फाइनल में मोमेंटम है। ओके, और ये जो आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है किस प्रिंसिपल पे कंसिक्वेंस है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके, अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, क्या प्रूफ है, आखिर क्या इस दोनों का रिलेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। नाउ हमने यहाँ पे लिया एक ब्लॉक M1, दूसरा बॉल हम कह सकते हैं M2 लिया। ओके, सपोज कर लो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी है, दोनों का वेलोसिटी V1 V2, और दोनों अपोजिट मूव कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम कुछ देर में क्या होगा, ये आपस में क्या होगा, कोलाइड्स करेगा, क्योंकि आमने सामने से आ रहा है। अब देखो ये वाला ब्लॉक M2 ब्लॉक M1 से टकराया, और M1 क्या हुआ, M2 से टकराया है, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा होगा। तो ध्यान से सुनना, M2 M1 पे फोर्स लगेगा और M1 M2 पे फोर्स लगेगा। देन जब M1 M2 पे फोर्स लगाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। हम क्या पढ़ेंगे इसे, फोर्स F21 को फोर्स छोटा सा लिख रहे हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी कि वन ब्लॉक ने, पहला बॉल ने दूसरे बॉल पे फोर्स लगाया, तभी तो हमने लिखा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और इसका डायरेक्शन आपके पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। अब यहाँ पे देखते हैं, बॉल वन पे M2 ने फोर्स लगाया, तो इसका डायरेक्शन निगेटिव एक्सिस की तरफ है, इसे हम क्या कहेंगे, F12 को फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, करेक्ट, यहाँ तक सही है। अब देखो, अब हम इसके प्रूफ में सबसे पहले अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। क्या होता है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, आप लोगों को पता होगा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। देन आप लिख सकते हो F=dP/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब देखो फिर से इस ब्लॉक पे आओ, M1 बॉल पे M2 फोर्स लगाया, ओके, तो इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, P1, इसका मोमेंटम, ब्लॉक 2 का मोमेंटम क्या होगा, P2 होगा, क्लियर। अब हम अप्लाई कर रहे हैं, बॉल 1 पे, बॉल 1 का अगर हम मोमेंटम लिखे तो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ के रिस्पेक्ट में, देन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू dP1/dt, ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में, आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हुआ, दोनों कोलाइड कर गया, ये क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये वाला फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो इस ब्लॉक का देखेंगे, देखो किस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, M2 पे लग रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही टेक्निक वाली बात कह रहे हैं, M2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक M1 लगा रहा है, सारा काम कहाँ पे हो रहा है, M2 पे, तो मोमेंटम किसका लेंगे हम, M2 का लेंगे, फोर्स भी किसका लेंगे, M2 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, और M2 बॉल पे कौन फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाला बॉल एक्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू M1, ये वाला फोर्स होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P2, ओके। अब देखो ये दोनों तो लिख लिया तुमने,
न्यूटन सेकंड लॉ से। अब आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड, हम डायरेक्ट लिखते हैं न्यूटन्स, न्यूटन थर्ड लॉ। अब इसे हम अप्लाई करते हैं, देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। सभी को पता है कि अगर हम यहाँ पे पंच करेंगे जितना फोर्स से हम बोर्ड पे पंच करेंगे, बोर्ड भी क्या करेगा, हमें उतना ही फोर्स से मेरे ऊपर रिएक्ट करेगा। यानी कि एक्शन रिएक्शन हो रहा है, हमने दिया एक्शन, बोर्ड ने दिया रिएक्शन। मेरा फोर्स का डायरेक्शन इधर, बोर्ड का फोर्स का डायरेक्शन इधर। ओके, अब यहाँ पे अप्लाई करो, दोनों बोल कुछ समय के बाद टकराया, ठीक है। तो M2 ने M1 पे फोर्स लगाया ये वाली डायरेक्शन में, और M1 ने M2 पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ये निगेटिव एक्सिस की तरफ। तो यहाँ से क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ दिख रहा है, एक्शन रिएक्शन अकर्स हो रहा है। दोनों डिफरेंट बॉडी है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। तो अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ हम यहाँ पे लिखेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब देखो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ये वाला निगेटिव एक्सिस की तरफ, तो हम यहाँ पे निगेटिव डाल दें, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन, आपने वैल्यू निकाल रखा तो पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, dP2 डिफरेंशिएट ऑफ मोमेंटम टू बाय किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, माइनस में, और इधर इसका वैल्यू रखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ मोमेंटम वन किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, अब ये वाला टर्म इधर ले जाए या ये वाला टर्म इधर ले जाते हैं, दोनों में से कुछ भी करेंगे तो फाइनली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, dP1 बाय dT2 डिफरेंशिएट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएट ऑफ P2 किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। क्लियर, अब देखो क्या करते हैं, पहले हम इसे यहाँ से मिटाते हैं। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएट वाला टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले यहाँ पे लिख रहे हैं d/dt P1 + P2 = 0। अब देखो यहाँ तक क्लियर, अब आपको पता होगा डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे, किसी भी टर्म का हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी के रिस्पेक्ट में, एक्स या टी या एनीथिंग, अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, देन आपका वैल्यू क्या आएगा, अगर कांस्टेंट टर्म का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू जीरो आएगा। तो कब जीरो आ रहा है, ध्यान से समझना, आपका जीरो वैल्यू कब आए, जब ये टर्म कांस्टेंट होगा तभी जीरो आएगा। अब देखो यहाँ पे जीरो आया, हम दोनों मोमेंटम का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जीरो आ रहा है। तो ऑब्वियस है dP1 + P2 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, P1 + P2 = क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, यही आपका प्रूफ है। अब देखो हमने यहाँ पे दो बोल लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी बोल ले सकते हैं, देन क्या होगा, P1 + P2 + P3 + P4 + ... हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टोटल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, कांस्टेंट है, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है सिस्टम का, तो हम कह सकते हैं जब सिस्टम का यहाँ पे लिख देते हैं, पी सिस्टम हमारा क्या है, पी सिस्टम कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि सिस्टम का तो मोमेंटम कांस्टेंट है, सिस्टम हमारा क्या है, ये रहा सिस्टम, ये टोटल सिस्टम को हम ले रहे हैं, ये टोटल सिस्टम है, तो हमारे सिस्टम कांस्टेंट है, तो जो इनिशियल में मोमेंटम होगा पी इनिशियल, वही क्या होगा, आपका फाइनल मोमेंटम होगा। ओके, समझ में आया, काफ़ी आसान तरीके से समझाया हमने। अब देखो बहुत सारी बुक में डायरेक्ट भी इसे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, सेकेंड लॉ से प्रूफ कर देगा, ध्यान से देखना सेकेंड लॉ से कितना आसानी से प्रूफ कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग क्या हो, इंजीनियरिंग लेवल के लिए हो, नीट लेवल के लिए, तो आप लोग का कंसेप्ट क्या होना चाहिए, थोड़ा वास्ट होना चाहिए, कैसे करता है देख लेते हैं। ये वो भी आप सभी को पता है क्या होता है, फोर्स इक्वल टू dP/dt होता है। फोर्स क्या है आपका, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, dP/dt = 0। और
हम मोमेंटम का डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जीरो वैल्यू आ रहा है, यानी कि इसका मतलब कि हमारा मोमेंटम क्या होगा, पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो तीन लाइन में भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करना है एक बार न्यूटन्स सेकेंड लॉ और एक बार न्यूटन्स थर्ड लॉ, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ाई में। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप लोग इसे नोट कर ले, हम इस पे दो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला एग्जांपल देखते हैं। एक गन है, ओके, इस गन का मास कितना दिया हुआ, 10 केजी दिया हुआ है, और इससे बुलेट भी है, बुलेट निकला, बुलेट का स्पीड क्या है, 400 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ओके, बुलेट का मास कितना है, 0.4 केजी, और गन का स्पीड पूछा है। अब देखते होगे, अब देख सकते हो, जैसे ही अगर आप गन से फायर करोगे तो क्या होगा, उससे बुलेट काफ़ी तेज़ी से आगे जाएगा और थोड़ा सा झटका लगता है पीछे की तरफ। तो जो पीछे वाला झटका लगा ना, पीछे वाला जो झटका लगा उसका स्पीड पूछ रहा है, उसका वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई अलग से इस बंदूक को नहीं खींच रहा है या बंदूक को इस तरह नहीं किया जा रहा है, जो भी काम हो रहा है इंटरनल हो रहा है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ओके, तो पी इनिशियल इक्वल टू हम लिख सकते हैं, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। ओके, अब पी इनिशियल निकालना है, क्या होगा पी इनिशियल, हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी इनिशियल, यहाँ पे लिख रहे हैं पी इनिशियल मास ऑफ गन एम इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, जो हमें निकालना है, प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब देखो इनिशियल में आपका क्या होगा, गन रेस्ट में रहेगा, बुलेट भी रेस्ट में रहेगा, फाइनल में आपका गन क्या हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है और गोली आगे की ओर जा रहा है। तो फाइनली इनिशियल मोमेंटम आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब हम क्या निकाल देंगे, फाइनल, पी फाइनल निकालते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मास ऑफ गन एम, वेलोसिटी ऑफ गन क्या दिया हुआ है, या हमें निकालना है, वी दिया है, तो वी हम लिखेंगे यहाँ पे, प्लस अब क्या बचा, मास ऑफ बुलेट एम और वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें क्या है, यू दिया हुआ, हम वैल्यू पुट करते हैं। अब ध्यान देना, ये जो हमने वेलोसिटी लिया है, गन तो आपको पता है पीछे की ओर जाएगा, लेकिन हम ओनली पॉजिटिव लिए हैं। देखो ऑटोमेटिक जब हम वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे, ऑटोमेटिक वो निगेटिव में आना चाहिए, तभी क्या होगा आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। ओके, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल हमारा मोमेंटम जीरो, फाइनल क्या है एम वी प्लस एम यू। ओके, तो हम लिख सकते हैं माइनस एम वी, या ऐसे लिख सकते हैं एम वी इक्वल टू माइनस एम यू। क्लियर, ये उठा के इधर ले गए, ये यहीं एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो मास ऑफ गन कितना दिया हुआ, यहाँ पे हम पुट करें 10, वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालना है, मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ 0.4 केजी, और वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बुलेट कितना है 400। ओके, 400 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो हमारा स्पीड निकला, स्पीड या वेलोसिटी जो निकला, यहाँ पे माइनस छूट गया, 4416, यानी कि माइनस 16 मीटर पर सेकेंड से ये पीछे की तरफ मूव करेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देख लो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मास रख दिया 10 केजी, और इसका वेलोसिटी बुलेट का 400, और इसका मास 0.4 है, तो यहाँ से एक बार फिर चेक कर ले, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है 60 मीटर पर सेकंड से पीछे की ओर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेम है, देखो M1 बैग ब्लॉक है जिसका मास 2 केजी है और स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड इस तरह आगे बढ़ रहा है, दूसरा ब्लॉक है M2 4 केजी का और 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसका स्पीड देखो दोगुना है, इसका कम है, इसका 4 है तो इसका 2 है, कुछ ही देरी में क्या होगा, वो आपस में कोलिजन होगा, आफ्टर सम टाइम दोनों कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा, टकराने के बाद जो है, आफ्टर टकराना यानी कि कोलिजन के बाद जो हमारा M1 है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा, और आपको बताना है दूसरा वाला जो ब्लॉक है किस वेलोसिटी से मूव करेगा। अब देखना यहाँ पे, कोई अलग से धक्का दिया नहीं दिया, ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स
एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? पी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी इनिशियल निकालते हैं, क्या होगा पी इनिशियल, यहाँ पे निकाल ले पी इनिशियल इक्वल टू इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक को हम कंसिडर करें तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। अब इसका वैल्यू क्या है, एम वन का 2 kg है, यू वन का वैल्यू क्या है 4 है, प्लस एम टू का क्या है 4 है और U2 का क्या है 2 है, देन क्या हो जाए आपका 8860 आपका मोमेंटम निकला इनिशियल। अब देखते हैं फाइनल की बात करें, फाइनल हम यहाँ पे निकाले P फाइनल M1 V1 प्लस M2 V2, ओके दिख रहा है क्लियर। अब M1 का वैल्यू क्या है, M1 का यहाँ से हम देख सकते हैं 2 kg है, वेलोसिटी क्या है आफ्टर कोलिजन 2 meter है तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस m2, m2 का वेलोसिटी क्या 4 है। अब देखो इसका डायरेक्शन फिर से ऑटोमेटिक निकलेगा, हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे निगेटिव ले या पॉजिटिव ले, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे v2 लिख रहे हैं। फाइनली क्या आया 2 × 4 और 4 + 4 v2, ओके। अब दोनों मोमेंटम का वैल्यू इस इक्वेशन में हम रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। इनिशियल कितना है पहले लिख ले पी आई इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम 16 और फाइनल 4 + 4 v2 है, ओके। हमें क्या चाहिए v2 चाहिए, तो 16 ये इधर गया क्या हुआ 12 और 4 v2, फाइनली v2 इक्वल टू क्या आया 3 m/s और 3 m/s और v2 का वैल्यू देखो पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया यानी कि इसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ओके डायरेक्शन भी निकल गया। तो डियर स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास कमेंट जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे, ओके थैंक यू।